संस्कारी हिंदू सास की मुस्लिम बहू। ओम नमो 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 शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय। शोभा शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ करती है, जिसके बाद वो घर पर पवित्र गंगा जल की बूंदें छिड़क कर घर को पवित्र करती है और रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। हे ईश्वर, इस घर की सुख शांति हमेशा इसी प्रकार बनाते रहिएगा। शोभा रसोई में भी ईश्वर को याद करते हुए अपने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, तभी वहां पर महेश आता है। ओहो शोभा, अभी भी पूजा में मलिन हो, जल्दी से नाश्ता बना लो, वरना मुझे और मेरे बेटे को बिना नाश्ते के ही ऑफिस जाना पड़ जाएगा। ईश्वर तो हर जगह है, बस उनसे बात करना आना चाहिए। अरे भाग्यवान, जल्दी नाश्ता तैयार कर लो। ऐसा कहकर वो तैयार होने चला जाता है, जिसके बाद शोभा नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद महेश अपने बेटे विवेक के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता करने लगता है। वैसे शोभा, मैं सोच रहा था कि आजकल तुम घर के काम करती हो तो बहुत थक जाती हो, और फिर तुम्हारी उम्र भी हो रही है। महेश के इस तरह बात करने पर शोभा समझ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दरअसल उम्र के साथ साथ मुझ में कमजोरी भी आती जा रही है। अब इस उम्र में मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। अगर विवेक शादी कर ले तो इस घर में एक संस्कारी समझदार बहू ले आऊं मैं, जो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाती होगी। माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? देख बेटा, कई समय से मैं तेरी मनमानी सुन रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि तुझे अब शादी करनी ही होगी। मुझे इस घर में कोई चाहिए जो मेरे बाद इस घर को अच्छे से संभाल सके। विवेक अपनी माँ की बातों को सुनकर अनसुना कर देता है और अधूरा नाश्ता करके वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद महेश शोभा से कहता है, ओहो भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? थोड़ा कम बोलती, एकदम तुमने उसको ऐसा बोल दिया, देखा ना, अब मेरा बेटा नाराज होकर चला गया। जाने दो जी उसे, अब उसे समझना होगा। मैंने आज ही शाम को पंडित जी को घर पर बुलाया है, वो हमारे बेटे के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लेकर आएंगे, जो बहुत संस्कारी और सुशील होंगी। शोभा ऐसा कहने के बाद खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। वहीं महेश भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को शोभा पंडित जी के आने के बाद अपने बेटे विवेक के लिए लड़कियां ढूंढ रही होती है, तभी अचानक से कोई डोरबेल बजाता है। अरे वाह, लगता है महेश जी आ गए हैं। चलो अच्छी बात है, अब वो मेरे साथ मिलकर लड़की ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। ऐसा सोचने के बाद वो दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर उसका बेटा विवेक एक बुर्खा पहने लड़की के साथ खड़ा होता है, जिसे देखते ही शोभा उससे कहती है, अरे बेटा, तू इतनी जल्दी आज ऑफिस से आ गया, वैसे ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है? माँ, ये लड़की आज से आपकी बहू है, अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी? माँ, ये क्या बदतमीजी है विवेक, तू इस लड़की से शादी करके इसे इस घर में कैसे लेकर आ सकता है? अरे ये एक मुस्लिम जाति की लड़की है। माँ, जुबैदा मुस्लिम जरूर है, लेकिन वो आपकी बहू बनने के बिल्कुल काबिल है। आपको इसके जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक मुस्लिम लड़की हम हिंदुओं के घर की बहू नहीं बन सकती। अभी के अभी इस लड़की को इसके घर पर छोड़कर आ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ, ये घर अब जुबैदा का भी है, आप इसे अब इस घर से नहीं निकाल सकती हो। ऐसा कहने के बाद विवेक शोभा के सामने ही जुबैदा का हाथ पकड़ता है और उसे घर के भीतर ले आता है। विवेक बेटा, ये तू क्या कर रहा है, इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेकर जा, ये मुस्लिम लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तभी महेश भी आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है? शोभा, तुम विवेक के ऊपर चिल्ला क्यों रही हो? शोभा महेश को सब बताती है। विवेक बेटा, ये तुमने क्या किया? पिताजी, मैं जुबैदा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं उसको अपने आप से और दूर नहीं रख सकता था। आज से जुबैदा इस घर की बहू है,
मैंने इससे शादी कर ली है। इस घर में या तो ये मुस्लिम लड़की रहेगी या फिर मैं। जहां मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं भी नहीं रह सकता। चलो जुबैदा, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जाता देख शोभा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे रोक लेती है। नहीं बेटा, तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू कहीं मत जा, तेरी माँ तेरे बिना जी भी नहीं पाएगी। शोभा ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। वहीं विवेक अपनी पत्नी जुबैदा को अपने कमरे में ले आता है। सुनिए, अम्मी जान बहुत नाराज है, एक बार आप उनके पास जाइए और उनसे बात कीजिए। जुबैदा की बात मानकर विवेक अपनी माँ के कमरे में जाता है और कुछ देर उनसे बात करता है, जिसके चलते शोभा नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरे शोभा को उठने से पहले ही रसोई से अजीब सी बदबू आने लगती है। ओहो, ये बदबू कहाँ से आ रही है, जरा देखूं तो सही। ऐसा सोचने के बाद वो नींद से उठकर बदबू को सूंघते हुए रसोई के पास आ जाती है, जहां पर उसकी नई मुस्लिम बहू रसोई के अंदर चिकन बना रही होती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? हे भगवान, इस कलमूही ने मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी। अम्मी जान, आप परेशान क्यों हो रही है? ये चिकन मैंने आपके लिए नहीं बल्कि विवेक जी के लिए बनाया है। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा बेटा चिकन नहीं खाता? अम्मी जान, उन्होंने मेरे हाथों का चिकन कई बार खाया है, इसीलिए तो अपनी पहली रसोई में उनके लिए शाही कोरमा बना रही हूँ। शिव 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 शिव, अब मुझे पूरे घर की शुद्धिकरण करना होगा। मेरा पूरा घर अपवित्र हो गया है। अरे बहू, तू निकल अभी के अभी, मेरी पवित्र रसोई से बाहर निकल। शोभा के चीखने चिल्लाने की आवाज से महेश और विवेक भी आ जाते हैं, जिसके चलते दोनों सास बहू का ये ड्रामा देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। देखिए ना जी, अम्मी जान तो खामखा ही नाराज हो गई। मैंने तो आपके लिए खाना बनाया था। शोभा किसी की एक नहीं सुनती और फौरन अपनी रसोई को साफ करने के बाद नहाकर अपने पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करती है। देख बहू, कान खोल कर सुन ले, इस घर में नॉनवेज कभी नहीं बनेगा। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद जुबैदा रोने लगती है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो अम्मी जान मुझसे इतनी नाराज हो गई? तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरी माँ थोड़ी धार्मिक है और उनको अपने जैसी ही लड़कियां पसंद हैं। तुम चिंता मत करो, एक दिन वो तुम्हें अपना लेंगी। ऐसा कहने के बाद विवेक तैयार होकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद जुबैदा हर वो काम करती है जिससे वो अपनी सास को खुश कर सकती हो। वो अपने धर्म के साथ साथ अपने सास के धर्म का भी पालन करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, जिसके चलते उसका ये स्वभाव शोभा को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। बहू, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बहू कोई मुस्लिम लड़की होगी, लेकिन तुमने अपने धर्म के साथ साथ हमारे धर्मों की भी इज्जत रखी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम्हें तुम्हारी एक पर्सनल रसोई बनाकर दे रही हूँ। जब तुम्हारा जो दिल करे तुम बना सकती हो। इंशाल्लाह अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको हमेशा खुश रखे। तो इस प्रकार शोभा अपनी मुस्लिम बहू जुबैदा के साथ घुल मिल जाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुषमा देवी ने अनिल और सुनील की शादी चेतना और दीपक से करके उन्हें बहू बना कर ले आई। असल में सुषमा की आंखों पर दोनों बहुओं का गोरा चिट्टा रंग चढ़ बैठा, जिस कारण उसने चिट मंगनी पट ब्याह का पैतरा आजमाया था। दोनों बहुओं की जिंदगी ससुराल में ऐशो आराम के साथ मजे में कट रही थी। दीपिका बहू, चेतना बहू, आ जाओ चाय पी लो। देखिए माँ जी, आपने बुलाया और हम चली आई। कुछ देर बाद घर का नौकर भोला चाय लेकर उनके पास आता है, तभी दोनों नखरे करते हुए कहती हैं, ओहो भोला भैया, ये कैसी काली चाय बनाई है, दूध डालना भूल गए थे क्या? अरे दूध डाला है बीवी जी। अरे ओ भोला, इतनी बुरी चाय पिलाकर मेरी बहुओं का रंग काला पड़ गया, तो जाकर दूसरी चाय बना। सास को पक्ष खींचता हुआ देखकर दोनों बहुएं खूब खुश होती हैं।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन सुषमा अपनी बहुओं से बोलती है, चेतना बहू, दीपिका बहू, अपने देवर मिहिर के लिए तुम दोनों को अपने जैसी सुंदर सी देवरानी ढूंढना शुरू कर दो। सास की इस बात पर दोनों बहुओं के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और दोनों आपस में फुसफुसाना शुरू कर देती है। चेतना, ये सासू माँ ने तो संकट में डाल दिया। अगर हमारी देवरानी हमसे भी सुंदर हुई तो माँ जी हमें जरा भी भाव नहीं देंगी। तो टेंशन मत ले, माँ जी से कह देंगे कि कोई जच ही नहीं। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं। तभी एक शाम कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दीपिका दरवाजा खोलती है तो सामने मिहिर एक काली सी लड़की के साथ खड़ा था। दीपिका मौके का पूरा फायदा उठाकर सास के सामने नमक मिर्च के साथ सारी बात रखती है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए देवर जी ने क्या गुल खिलाए हैं। अरे ऐसा भी क्या कर दिया तेरे देवर ने। अरे मिहिर, ये मैं क्या देख रही हूँ, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, ये काजल है मेरी पत्नी और आपकी बहू। हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। काजल का अपना कहने को इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैंने इसका हाथ थामा है। काजल का काला रंग सुषमा की आंखों में खटक जाता है, जिसे बड़ा विषय बनाकर वह उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे ऐसा भी क्या है इस काली कलूटी लड़की में जो तू इसके पीछे लट्टू हो गया। नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू। सुषमा अपना फैसला सुनाकर पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद दोनों जेठानियां भी देवरानी को आंखें दिखाकर चली जाती है। बेचारी बहू वहीं खड़ी रोती रह जाती है। देखा मीर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। काजल तुम चिंता मत करो, माँ मान जाएंगी। अभी के लिए सास की रस्म मैं कर देता हूँ। मिहिर काजल के पैरों के सामने कलश रखकर उसका गृह प्रवेश करता है, जिसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी जेठानियां जल भून जाती हैं। देख रही हो दीपिका, देवर जी कैसे कल्लो माई के मजनू बने बैठे हैं, और एक हमारे पति हैं जो हमें घास भी नहीं डालते। अगले दिन काजल ससुराल में होने वाली पहली रसोई की रस्म में खूब सारा खाना बनाती है, जिसे खाकर अनिल और सुनील काजल की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह काजल, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, खाकर दिल खुश हो गया। हाँ, खास करके ये खीर एकदम अमृत के जैसा स्वाद दे रही है, मुंह में जाते ही घुल मिल गई। अपने पतियों के मुंह से हुई अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर दोनों जेठानियां जल भुनकर बोल पड़ती हैं। हाँ हाँ, हम तो जैसे तुम्हें जहर खिलाते हैं। हमारा बनाया खाने की तो इतनी खुलकर तारीफ कभी नहीं हुई। पता नहीं इस काली चुड़ैल ने इस खाने के बहाने तुम भाइयों को कोई घुट्टी घोलकर तो नहीं पिला दी। अरे तुम्हें तुम्हारे पतियों का खुश रहना रास नहीं आता क्या? तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है। ये कहकर दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। मिहिर हर दिन काजल के लिए कुछ न कुछ लेकर ही घर लौटता, कभी जलेबियां तो कभी चूड़ियां तो कभी सुंदर साड़ी, जिसे देखकर दोनों जलकुकड़ी जेठानी अपनी सास के कान भरती रहती। देख लीजिए इस काली देवरानी के तो ठाट है, रोज रोज देवर जी के खूब पैसे खर्च करवाती है। देख लेना माँ जी, वो दिन दूर नहीं जब ये काली देवरानी देवर जी को फटेहाल बनाकर छोड़ेगी। चेतना की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सुषमा काजल को जी भर कर बुरा भला कहती है। दिन बीतते हैं, मगर काजल को कहां पता था कि उस रोज उसका पति मिहिर घर से निकला ही ना लौटने के लिए था। मिहिर के मरने की खबर घर पहुंची तो सुषमा ने मोटे डंडे से बेचारी बहू को खूब मारा। आखिर तू मेरे बेटे को खा ही गई, आज मैं मार मार कर तेरी जान ले लूंगी। माँ, माँ जी मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे मालकिन, काहे मारत है भौजाई को, छोड़ दो इका। आहा, बड़ी हिमायती बन रहा है, चल भाग यहाँ से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। दीपिका भोला को घर से भगा देती है। मिहिर के मौत के बाद एक ही झटके में काजल की सारी खुशियाँ छीन गई और उसकी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह गई। उस पर जेठानियों का जुल्म हर दिन की बात हो गई। एक सुबह दोनों जेठानियां काजल की साड़ी पहनकर उसे चुढ़ाती हैं। अरे जेठानी जी, ये तो मेरी साड़ियां हैं, ये साड़ी मेरे मिहिर जी की निशानी है, उसे मुझे लौटा दीजिए। ठीक है, दे देंगे, मगर क्या अब तुम ये लाल रंग की साड़ी पहन पाओगी? एक विधवा के पास ऐसी रंग बिरंगी साड़ी का क्या काम, अब ये साड़ी हमारी हुई, जाओ जो करना है कर लो। बेचारी विधवा देवरानी घमंडी जेठानियों के आगे खूब गिड़गिड़ाती है, मगर दोनों जेठानियां जिद पर अड़ जाती हैं। अब वो दोनों जब भी काजल के पास महंगी चीज देखती तो उसे हथिया लेती, जिसमें उसकी सास सुषमा भी उसका पूरा पूरा साथ देती। अरे वाह, ये मांग टीका कितना सुंदर है, माँ जी ये मैं ले लूं? नहीं नहीं, ये नहीं दूंगी, ये मेरी माँ की इकलौती निशानी है। काजल को ना करता देख कर उसकी सास जबरदस्ती उसके हाथ से मांग टीका छीन कर चेतना को थमा देती है। माँ जी आप लोगों को मुझसे मेरी चीजें छीन कर क्या हासिल होता है,
चैन पड़ता है मुझे, जैसे तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है। मैं भी तुझसे हर वो निशानी छीन लूंगी जो तेरी लिए जिंदगी से बढ़कर है, और वैसे भी एक विधवा के पास इन सुहाग की चीजों का कोई काम नहीं। चल चेतना बहू। ऐसे ही दिन बीतते गए। चालाक जिठानियां किसी न किसी बहाने बेचारी विधवा काजल का दुख बढ़ाती, और उस रोज रात के खाने को ढाल बनाकर उन्होंने सारी हदें पार कर दी। देख दीपिका, हमारी काली देवरानी किचन में नहीं, चल उसके खाने को खराब करते हैं। दोनों सब्जी में नमक मिर्च की बरनी उड़ेल देती हैं, और जैसे ही काजल सारा खाना मेज पर परोसती है, जहां सब्जी में एक छिपकली जाने कैसे मरी होती है, जिससे दोनों शातिर जेठानियों को विधवा देवरानी पर जुल्म ढाने का और भी ज्यादा शह मिल जाता है। रुक जाइए माँ जी, खाने में छिपकली मरी है। चेतना सारा खाना फर्श पर फेंक देती है, वहीं दीपिका काजल को गुस्से से घूरती हुई एक की दो लगाकर कहती है, देख लीजिए माँ जी, ये काली विधवा देवरानी हमें जहरीला खाना खिलाकर मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इससे पहले कि ये हमें मारे, हम इसे जिंदा जला देते हैं। फिर तीनों मिलकर बेचारी उस लाचार विधवा को घसीटते हुए लकड़ियों के बड़े ढेर के बीच बांध देती हैं। माँ जी, जिठानी जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे खोल दीजिए। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, मगर आज तेरी चिता जल कर रहेगी। दोनों जेठानियां जल्दी जल्दी चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती हैं, जिसके बाद सुमति लकड़ियों के निचले हिस्से में आग जलाकर जैसे ही बाहर की ओर भागती है, उसका पांव फिसल जाता है, और सुमति अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, अरे बहू इस आग को बुझा, वरना इसके साथ मैं भी जल जाऊंगी। जलती हो तो जल जाओ माँ जी, हम सती अनसुइया नहीं जो आग में कूद जाएं। ये कहकर दोनों अपनी सास और देवरानी को आग के बीच छोड़कर चली जाती हैं। तभी वक्त रहते अनिल सुनील आकर आग बुझाकर उन दोनों को बचाते हैं, मगर काजल को अपनी सास की पड़ी थी। माँ जी आंखें खोलिए। काजल कभी अपनी सास के हाथ पांव मलती तो कभी उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती। कुछ देर बाद सुमति होश में आ जाती है। भगवान का शुक्र है माँ जी, जो आप ठीक हैं। अपनी बहू के शब्दों में छलकते फिक्र को देखकर सुषमा पछतावे से भर कर फूट फूट कर रोती हुई बोल पड़ी, मुझे माफ कर दे, मैंने जिन बहुओं को सराखों पर बिठाया वो मुझे आज मरता छोड़ गई, और जिसे मैंने मारना चाहा वो मेरे पास बैठी है। इन हाथों को मैंने तुझ पर कितनी बार उठाया है, काश कि हाथ टूट जाए। ऐसा ना कहिए माँ जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है। एक वक्त में सुषमा ने जिस बहू को ठुकराया था, आज उसे उसकी अहमियत का एहसास हो गया था। वहीं दोनों जेठानियां अपनी हरकत के कारण सास की नजर से पूरी तरह उतर गईं।